आपकी वापसी पर खुशी हुई जाहिद सर। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि आपने इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया सिवाल। कभी कभी आपस में ऐसा हो जाता है। एक और बात सर, साइट से आने वाली इन रिपोर्ट्स पर भी नजर डाल लें। अली सर उस वक्त जल्दी में थे तो देख नहीं सके। हम साइट पर सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। दरअसल आज कुछ तब्दीलियां हुई हैं। अब से हम इन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करेंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? कंपनी के साथ कुछ मसाइल हुए हैं सर, रिपोर्ट में भी ये लिखा होगा। यहाँ तो कुछ नहीं लिखा। अली को इस तब्दीली का पता है? सर मैंने कहा ना वो जल्दी में थे इसलिए वो रिपोर्ट नहीं देख पाए। ठीक है, मैं शाम को घर में दिखा दूंगा, आप जा सकती हैं। शुक्रिया। काफी देर हो गई है, अभी तक वो लिफाफा नहीं खोला होगा क्या? कहीं गलत वक्त पर तो नहीं रख दिया मैंने? मुझे मालूम नहीं था कि अली साहब जल्दी आ जाएंगे, और अगर वो आते ही उनके पास ही चले गए। अल्लाह अल्लाह, आराम से अलमास, आराम से। तुम्हें अब ये खेल खेलना पड़ेगा। अब शुरू किया है तो खेलो इसे, बहादुर बनो और चांस लो। अम्मी? आओ आओ, मेरे सर का दर्द भी कम हो गया है। देखिए, गुस्सा हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, फौरन सर में दर्द हो जाता है। क्या हुआ, मेरी बच्ची को अपनी गलती का एहसास हो गया है क्या? अम्मी ऐसा तो नहीं कहें, मुझे आपसे नाराज होने की आदत नहीं है और ना ही मैं कभी हो सकती हूँ। अब आप मुझसे नाराज मत हो, खाने पर चले। जानती हो तुम 8 साल की थी जब तुमने मुझे उंगली पे नचाना शुरू किया, और अब कहती हो नाराज ना हो। जब चाहती हो कैसे नीचा दिखाती हो, कैसे चीखती चिल्लाती हो अलीना। अच्छा ना अम्मी, चले आ जाए। अलीना देखो, मैं संजीदा हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना सर उस आया के मसले से भरो। उससे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। अगर उसकी कोई बात तुम्हें परेशान करती है, मैं देखूंगी उसे, तुम नहीं। इस घर में तुम्हारा वाहिद मसला तुम्हारी सेहत और तुम्हारा बेटा है। और मेरा शौहर। और शौहर। हाय, देखें दावतनामे आ गए हैं। हम कितना आते जाते थे ना। अम्मी मुझे ये बताएं, मैं कब लोगों में जाना शुरू करूंगी? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। ऐसा करते हैं कि इनमें से किसी एक को चूज करके हम सब मिलकर चलते हैं। मैं अपने शौहर का हाथ पकड़कर पूरी शान से वहां पर जाऊंगी। लोग कहेंगे अलीना कुजान वापस आ गई है। इंशाल्लाह बेटा, जरूर चलेंगे। अच्छा देखते हैं मिलकर। देखें चलो, शाबाश मर्द, ये पूरा का पूरा कबाब खत्म करना है। नहीं खाना मुझे, यहाँ कोई भी नहीं खा रहा तो फिर मैं क्यों खा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें जल्दी से बड़ा होना है ना। खाओगे तो बाबा की तरह बड़े हो जाओगे। चलो अब खाओ। वाकई अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं सारा खाना खा लूंगी अभी के अभी। कहाँ रह गए सब, मैं भूख से मर रही हूँ। नूर जाकर सबको बताओ ताकि खाने के टेबल पर आ जाए। भूख के मारे मेरी जान जा रही, जाओ जल्दी खाओ। मर्द देख रही हो कितनी ढीठ लड़की है ये। भाभी नूर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। नूर आंटी नौकरानी नहीं है, वो मेरी आया है। मर्द बेटा, तुमने मेरी जगह जवाब दिया। जुबान दराजी सिखा रही हो इसे। खैर अब मैं खामोश होकर सारा तमाशा देखती हूँ, देखती हूँ तुम कितना ऊंचा उड़ सकती हो। नूर भाभी यार, लगता है भूख ने आपका बचा कुचा दिमाग भी खा लिया है। हम भूख से मर रहे हैं और कोई भी नहीं आ रहा, हाल तो बुरा ही होगा ना।
ऊपर जाकर अपने भाइयों को देखो नायला, आप क्या घर में भी ऑफिस खोलकर बैठ गए हैं ये लोग? मेरा दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर है और मैं ऊपर नहीं जा सकती। वैसे भी जब वो काम की बात कर रहे हो तब वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम यहाँ भूख से मरते रहे? यार, मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग ये कर कैसे रहे हो? हाँ, मैं इस फाइल में लिखी कंपनी को नहीं जानता। मैंने तुमसे कहा है अभी कंपनी जाओ और वहाँ जो भी नुमाइंदा मौजूद है उसे फौरन लेकर आओ मेरे पास। बिल्कुल, अभी फौरन लेकर आओ उसे, और मुझे आगे से कोई बहाने नहीं चाहिए। जी कहिए जनाब। एक मिनट, सुनाई नहीं दे रहा। मैं अली साहब को फोन किए जा रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रहे। अली साहब मेरे साथ हैं, खैरियत है? सब कुछ बर्बाद हो गया है जाहिद साहब। क्या कह रहे हो तुम, हुआ क्या है? साइड गिर गई है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तीन जख्मी हुए हैं और दो वर्कर्स। दो वर्कर्स क्या? बोलो ना, दो क्या? दो वर्कर्स मर गए हैं जाहिद साहब। जाहिद, क्या हुआ मुझे बताओ ना। अरे अम्मी, ये तो बिल्कुल फजूल है। फैशन शो का ये शॉप की ओपनिंग, अली तो भीख मांगने पर भी नहीं जाएगा मेरे साथ। अरे ये इतना बड़ा कार्ड कहाँ से आया है? आपका नाम लिखा है और मुझे इनविटेशन नहीं लग रहा। हाँ? किसने भेजा होगा? ना कोई नाम, ना डाक टिकट, कुछ भी नहीं है उस पर। अली ने मेरा चश्मा नहीं है, ऐसा करो तुम ही खोल लो। आखिर है क्या इसमें? दो वर्कर मर गए। हाँ, क्या मतलब इस बात का? अल्लाह, क्या हो गया? बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर। मैं आ रहा हूँ अभी, मैं भरी आ रहा हूँ, किसी को वापस मत भेजना। अली, आ रहा हूँ मैं अभी, कोई घर नहीं आएगा। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताओ। क्या हो गया है भाई? साइड गिर गई है। क्या क्या हो रहा है? नैयर साहब जख्मी है वो। क्या, कैसे? बाबा क्यों भाग रहे हैं? या अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा दे मेरे रब। अम्मी प्लीज, आराम से, कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। अली, अली साहिद साहब। अमीन, नायला की गाड़ी ले लो, अपनी माँ को अस्पताल ले जाओ, उनकी हालत खराब नहीं है, फिक्र मत करो। शुक्र है अल्लाह का। अभी जरा देख के ध्यान से, मैं आ रहा हूँ। आप यहीं रहेंगी क्या? मैं यहीं रुकती हूँ, तुम मम्मी को लेकर आराम से जाओ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे ही परेशानियां कम थी क्या? मैंने पहले ही उन लोगों को कहा था हमें किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर से रابطہ करना चाहिए, लेकिन अली साहब को ये काम खुद करना था। नतीजा देख लिया ना बात ना मानने का। खुदा के लिए चुप हो जाओ नाज़ान, ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है अली का। अपनी बकवास बंद करो। रोज एक नया मसला खड़ा होता है। अम्मी आप रोइए नहीं ना, प्लीज मत रोइए। नूर, इसे ले जाओ। नूर, मर्द को सुला दो। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही नानी। जाओ अपने कमरे में जाओ, नींद भी आ जाएगी। आ जाओ मेरी जान, चलो। अभी मैंने गाड़ी पर गोलियां बरसने की बात सही थी और अब यह हादसा हो गया। लगता है हमारे ही घर के ऊपर एक नहुसत छाई हुई है। भाभी, फजूल बातें मत करें और जाहिद भाई को फोन करें, कम से कम वो कुछ खैरियत ही बता देंगे हमें। नायला साहिबा, तुम्हारी जुबान भी खुल गई है आजकल। नाज़ान चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। जाओ जाहिद को फोन करो। उठो बेटा, चलो उठो, थोड़ा आराम कर लो, बहुत देर से बैठी हो। नायला, तुम सिनान को फोन करो और उसे जल्दी बुला। ठीक है आंटी। चले आप मुझे कहानी सुनाए ना।
ठीक है अभी सुनाती हूँ। अलीना चलो तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। मुझे दवाई नहीं चाहिए अम्मी, मैं अभी सोना नहीं चाहती हूँ। अली को फोन करें आप। अलीना वो रास्ते में होगा, अभी तक साइट पर भी नहीं पहुंचा होगा। लेकिन मैं अली से बात करना चाहती हूँ अम्मी। ठीक है मेरा फोन कमरे में रह गया है, तब तक तुम अपनी दवा दो मैं लेकर आती हूँ। ठीक है कहाँ रख दिया मैंने अपना फोन, कहाँ है आखिर? या मेरे अल्लाह, ये क्या है? या अल्लाह, या अल्लाह, ये किसने किया, किसने किया ये? अगर चाहती हो किसी को पता ना चले तो इस अकाउंट में पैसे जमा कराओ फौरन। कौन हो सकता है ये? नाखिन, जहरीली नाखिन, अगर तुमने अपना असली चेहरा दिखा दिया करना होगा मुझे। और इस तरह से बच्चा रेस जीत गया और उसे इनाम मिला। मैं तुम्हें मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अम्मी, अलीना, यार कहाँ गया आपका फोन? मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैं अब पागल हो रही हूँ अम्मी। प्लीज अम्मी, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, फोन करें अली को। अलीना, कुछ हुआ है ना? आपने अली से बात की है, उसे कुछ हुआ है ना? नहीं नहीं बेटा, कसम से ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोलिए, आपके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है, झूठ मत बोलिए। चलो बेटा तुम अपने कमरे में चल के आराम करो, आराम से बैठो, फिर मैं तुम्हारे शोहर को। या अल्लाह, सब कुछ ठीक कर दे। चलो मेरे साथ पहले जाए, अपना फोन लेकर आइए, मैं घबराहट से। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो। ठीक है, तुम पहुंचते ही फोन करना साहिद। नायला, अली भाई फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन साहिद भाई से बात हुई है, अभी तक पहुंचे नहीं है वो लोग साइट पर। बताने के लिए शुक्रिया नायला, मैं इस वक्त बाहर जा रही हूँ, पता नहीं आंटी की हालत कैसी होगी, मर तो उठ जाए तो मुझे बुला लेना। ठीक है, परेशान मत हो। चले आयतुल साहिबा जल्दी, अभी घर पर कोई नहीं है, जल्दी से लिफाफा खोलें। नहीं, आज रात कुछ नहीं होगा, वहां भी हंगामा चल रहा है। आ अलमास, आ, इतना अच्छा मौका गवा दिया। अलमास, आंटी कहाँ है? अलमास बताओ ना कुछ, अस्पताल गए थे ना वो लोग, प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। हाँ बिल्कुल, हाँ भी आया था फोन, बाबा ठीक है, उनका हाथ निकल गया और टांग मुड़ गई है उनकी, बाकी वो ठीक है। अल्लाह का शुक्र है।
अलमास। उठो। अब खत्म भी करो ये नाराजगी वगैरह, ठीक है? आप क्यों रोक रहे हैं हमें? जाने दें, हमारा अंदर जाना लाजमी है। समझने की कोशिश करें, हमें अंदर जाने दें। आप हटे सामने से, जाने दें हमें। किसने मना किया है कि हम अंदर नहीं जा सकते? हम उनसे बात कर लेंगे, आप फिलहाल सामने से हटे, हमें अंदर जाने दें। सर आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर बहुत खतरा है। हट जाओ पीछे, मुझे देखना है अंदर क्या हुआ है। हट जाओ पीछे। अंदर तहकीकात चल रही है सर, अभी भी मलबा गिरने का खतरा है, मान जाएं प्लीज। अली साहब कैसे हुआ ये? बताओ कैसे? अली हमें नहीं मालूम अली साहब, सब कुछ अचानक तेजी से हुआ। अचानक क्या मतलब? कहाँ है वो नाकाम कॉन्ट्रैक्टर, कहाँ है वो यूसुफ? हमने उन्हें खो दिया साहब, यूसुफ साहब और एक मजदूर को खो दिया। अली साहब अभी आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। नुकसान का अफसोस है। बाकी लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं बाकी लोग उस ठेकेदार के? लेकर आओ मेरे पास। वो सिर्फ दिन में आते हैं अली साहब, काम खत्म हो गया वो चले गए। मेरे सामने लेकर आओ नहीं, अभी एक एक शख्स को लेकर आओ। रहने दो, नहीं ला सकते, बल्कि मैं अब खुद जाकर एक एक शख्स को तलाश करके लेकर आऊंगा। अली अली पागल हो गए हो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा, साइड गिर गई हमारी, साइड गिर गई है। ये हमें पुलिस बताएगी अली, तुम नहीं। हटो रास्ते में से। मुझे मालूम है कि तुम कहाँ जा रहे हो अली, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, याद रखना। भाई? हाँ, तुम्हारा भाई। मेरी लाश से गुजर कर जाओ, अगर तुम्हें जाना है तो ये करो और चले जाओ, क्योंकि मेरे जीते जी तो तुम नहीं जा सकते। कसम से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं नूर, क्या वाकई इतना प्यार करती हूँ मेरे बाबा से? क्या क्या कहा? तुम बाबा की वजह से बहुत परेशान हो रही हो ना, इधर उधर चक्कर लगाते हुए खुद चकरा जाओगी। मैंने कहा तो है ठीक है बाबा, किस लिए इतना परेशान हो रही हो? हाँ क्योंकि वो मेरे भी तो अंकल है ना, और फिर इतना बड़ा हादसा हुआ। तो क्या वाकई हादसा हुआ है? क्या क्या मतलब है? यानी तामिराती साइड गिरी है, जाहिर है हादसा ही तो हुआ। अगर इसका ताल्लुक अली कोजान से है तो कुछ भी हो सकता है। तुम अली साहब की जिंदगी से वाकिफ नहीं हो, इसलिए नहीं जानती होगी। उनके मसले हमेशा कुछ बड़े ही होते हैं। तुम्हें याद है ना कि पिछली दफा जो फायरिंग हुई थी उन पर? अब देखो ना नूर, हमने यहाँ तक पहुँचने में कितना कुछ देख लिया है अली साहब के साथ। ऐसा ही होता है, बड़े लोगों के बड़े मसले। अब तो अल्लाह उनकी बीवी को सब्र दे बस। मुझे घबराहट हो रही है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, ताज़ा हवा में अजीब तबीयत हो रही है। ओके, यही ठीक है, जाओ झोंके खाओ हवा के, फिर ही शायद सुकून मिले तुम्हें। तुम्हारा दिल जल जाए मेरी बला से, आग लगे तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी को। प्लीज अली घर आ जाओ। घर आ जाओ अली। देखो अली, होश से काम लो, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, सब्र करो और इंतजार करो। अभी जाकर बगैर किसी सबूत के किसी जगह हमला करोगे तो क्या होगा अली? अगर 1% भी ये बात सच साबित हो गई कि ये प्लान था तो खैर छोड़ो, फिलहाल हकीकत को सामने आने दो, उससे पहले कुछ मत करो अली। हकीकत, मेरा नाम अली कोजान है, लिख लो ये प्लान था, मगर मैं अब वही करूंगा,
तुमने कहा ना इंतजार करने के लिए, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन एक बात मेरी याद रखना जाहिद, कि नतीजा वही होगा। उसके बाद फिर चाहे मेरा भाई या मेरा बाप भी मेरे रास्ते में आकर खड़ा हो जाए तो मैं हरगिज नहीं रुकूंगा। सो जाओ बेटा, सो जाओ। तुम अली आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कहां घूम रहे हो तुम? इधर आके बैठो। अपनी बहन के पास बैठो तुम। क्या हुआ मम्मी? जो होना था हो गया। मुझे कुछ काम है, तुम यहीं बैठो। तो ना तुम यहां से जाओगी और ना रहने दोगी। हाँ खत्म, आज रात तुम्हारी कहानी खत्म कर दूंगी नागिन। ठीक है, हम सब इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? कह रहा था कि वो लोग वापस आ रहे हैं। गाड़ी चला रहा था तो यही बात हुई। कहाँ है वो नागिन? आंटी क्या हुआ है आपको? नूर कहाँ है? यार आप उस लड़की को नागिन कह रही हैं? ओ तो ये इसकी वकील बन गई। अब सर्वेंट क्वार्टर में होगी। अब इनको क्या हुआ है, इतना भड़क क्यों रही है ये? मुझे क्या पता क्या हुआ है। तुम जहरीली नागिन, कहां चुप कर बैठी हो? नूर सामने आओ मेरे। हाँ आ गई। सामने आकर बात करो मेरे। नूर, नूर कहां हो तुम? यहां के मेरे सामने बात करो। कहां है वो नागिन? नूर कहां है? क्या आपने शर्म है थोड़ी सी भी अतुल साहिबा? इंसान अपने भांजे की बीवी से ऐसे बात करता है क्या? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आगे बहुत फिक्रमंद थी। बहुत। तुम ठीक तो हो ना अली? तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। तुम बहुत वहमी हो। क्या कर रहे हो अली, क्या कर रहे हो यार? वहमी क्या के टालू मत अली। अलमास से तुम्हारे बारे में ऐसी बातें सुनी, कसम से जैसे वो बहुत कुछ जानती है जो हमें नहीं मालूम। मेरी सिर्फ एक जिद की वजह से दो लोग मर गए। मेरी वजह से
दो बेगुनाह लोगों की जानें चली गईं। मैं पहली बार नाकाम हो गया। जो लोग मुझे बचाना चाहते थे उन्हें मार दिया। जिंदगी में पहली बार किसी को बचाने में नाकाम हो गया मैं नूर। मुझे बहुत अफसोस है। कहाँ है अली? अभी तक आया क्यों नहीं? आप खामखा जिद क्यों कर रही हैं? प्लीज सो जाए ना। जब मेरा शौहर आएगा उसको देखने के बाद ही सोऊंगी मैं। वो लोग आ गए हैं। ठहरिए आपा, आप इस हालत में नहीं उठें प्लीज। मैं उसे भेजता हूं। नायला, तुम्हारा भाई कहाँ है? भाई कह रहे थे कि वो फ्रेश होने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अली वो कहाँ है? हाँ वो आ गए हैं, बाहर लॉन में है शायद। जाहिद भाई ने कहा था कि इस वक्त उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, बहुत गुस्से में है वो शायद। मुझे उसके गुस्से की कोई परवाह नहीं। अली, मैं इस खौफ के साथ नहीं जीना चाहती हूँ। तुम्हारा एक बच्चा भी है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं तुम्हारा किसी किस्म का नुकसान नहीं चाहती हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया अली, तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगली सांस भी नहीं ले सकूंगी अली। खुद सोचो जरा, डर डर के जीना कोई जीना होता है? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कौन है? नूर, इतना प्यार करती हूं मुझसे? हाँ बहुत प्यार करती हूं, अल्लाह गवाह है। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। कहाँ है ये? है अली? मेरे शौहर को लेने के लिए आए थे ना, कहाँ है? रुके आप, रुके, मेरे साथ आए। अली यहाँ पर नहीं है। क्यों? फिर कहाँ है वो? और तुम्हें क्या हुआ है? अंदर होगा लेकिन यहाँ नहीं है। लेकिन मैंने अंदर देख लिया है, वो वहाँ नहीं है। पापा मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जाहिद भाई भी तो अंदर ही है, वो भी अंदर ही होगा। चले आए मेरे साथ। जाहिद भाई से कि अली कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? आपा मैं आपके शोहर को लेकर आता हूँ, फिक्र मत करें, आ जाएं। सिनान मुझे सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? हाँ मेरा शोहर आखिर है कहाँ, बता भी दो। और तुम्हें क्या हुआ था, तुम मुझे बाहर से इस तरह जबरदस्ती क्यों लेकर आ गए थे? हम बाहर में जाए आपका शोहर, बस करें, नहीं परेशान हुआ करें उसके लिए। अच्छा ठीक है आपा, सॉरी, आई एम सॉरी आपा, आ जाए। सांप की नस्ल के हो, सबके सब सांप की नस्ल के हो। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ गया हो तो ये गालम गलौज छोड़कर आप असल बात पर आए। तुल साहिबा बेशरम लोग। अरे बस भी कर दे,
अगर आपको दुश्मनी करनी है तो पूरी तरह कीजिए, और अगर बात करनी है तो इंसानों की तरह करें, मैं तंग आ गई हूँ। इस तरह गालियां देना मुझे सेब देता है आपको? वैसे भी आप मेरे घर में बैठी हैं, यहाँ की मालिक मैं हूँ। मेरी बात मानेंगी तो मैं आप पर रहम करूंगी, वरना मैं आपको आग लगा दूंगी। मेरी बात कान खोल कर सुनो बेशर्म लड़की, मैं तुम्हारे बाल नोच कर फेंक दूंगी। ये धमकी तुम किसको दे रही हो बेगरत? अब मैं जाकर अभी अली को तुम्हारे सारे कारनामे बताऊंगी। अगर हिम्मत है तो अली को ब्लैकमेल करके दिखाओ जैसे तुम मुझे कर रही हो। मैंने सब कुछ सोच लिया था, हाँ, मगर ये नहीं सोचा था कि आप मुझे अली साहब की धमकी देंगे। अलमास नाम है मेरा, अलमास। अब खड़ी क्यों है? अपने भांजे के पास जाकर पर्दाफाश करें मेरा। अली साहब के पास पहुंचने से पहले ही ये तस्वीर आपकी बेटी के हाथ में होंगी आयतुल साहिबा। अली तुम्हें अब अलीना के अतराफ में भी पसंद नहीं करेगा। आ, ये पुरानी सोचें, माफ कीजिएगा। ये जदीद दौर है अतुल साहिबा के, इंटरनेट का नाम नहीं सुना। सच्चाई सामने आने से सिर्फ एक क्लिक दूर होगी। ये फोटोग्राफ सेव है मेरे पास, कंपनी के तमाम सिस्टम्स पर, तमाम ड्राइव्स पर, हर जगह सेव है। 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड में ना सिर्फ तुम्हारी बेटी बल्कि मैगजीन्स वाले भी अली कोसान की नई बीवी से मिल लेंगे। इसकी हिम्मत है क्या? ठीक है, ठीक है, तो फिर रिस्क लिए हैं तो सामना भी करते हैं। मैं फोटोग्राफ्स मैगजीन वालों को भेज दूंगी और तुमसे मैं कम रकम में भी राजी हो जाऊंगी। घर से निकाली जाऊं या फिर ऑफिस से निकाली जाऊं, कह दूंगी मैं बस एक जुआ खेला और हार गई। आप क्या कहेंगी अतुल साहिबा, जब आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी तो आप क्या कहेंगी? बताए ना, अगर मेरी डिमांड पूरी कर लेती है तो आपकी बेहतरी है। अभी तो मेरे हाथ में है ये फोन, जैसे ही इस दरवाजे से निकलूंगी तो सीधा आपकी बेटी के पास जाऊंगी, और फिर क्या होगा आपकी बेटी का? मत करो। अब समझ आई ना आपको? बेचारी को ये तक नहीं पता तलाक याफ्ता है वो, और फिर अपने बच्चे को अपनी शौहर की नई बीवी के हवाले कर रही है वो, और आप सारा तमाशा देख रही हैं। मैं तुम्हें, अगर मैंने यहाँ से एक कदम बाहर निकाला तो आप बर्बाद हो जाएंगी। वो हशर करूंगी तुम्हारा कि तुम पछताओगी, इस फार्म हाउस में नहीं रहोगी। आप मुझे रखेंगी एक मलिका की तरह रखेंगी आप मुझे? अल्लाह का अजाब आए तुम पर और मैं क्या कहूँ। कितने पैसे चाहिए, क्या चाहती हो? हाँ, पैसों की बात जरूर करेंगे हम, लेकिन मैं पैसों से ज्यादा कुछ और चाहती हूँ। और अगर आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं, फिर आप तो मुझे हर चीज दे देंगी जो भी मैं चाहूंगी। अली, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? घर के सामने सब कुछ, हर एक इंसान को भूल कर हम क्या कर रहे हैं? खौफ आ रहा है तुम्हें? अच्छा लगता है मुझे तो तुम्हारे साथ, मुझे इस तरह पागल होना अच्छा लगता है। चल, तुम घर जाओ, मैं आंटी के घर जाऊंगी। नूर, अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, तुम्हें मालूम है ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम। क्या बदलेगा अली? क्या हम एक नॉर्मल मियां बीवी की तरह क्या एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारेंगे, या फिर हमें एक शादीशुदा जोड़े की तरह दुनिया के सामने सब कुछ करते रहेंगे, हाथ में हाथ डालकर हर जगह साथ जा सकेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता अली। तुम अलीना साहिबा के पास ही रहोगे और मैं अकेली उसी गेस्ट रूम में रहूंगी। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे पहले था अली। नहीं, एक रात में तो हर चीज नहीं बदलेगी ना। हाँ, लेकिन ये जान लो कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, और अलीना को भी आदत हो ही जाएगी। देखो, तुम्हें नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है
तुम्हें भी होना चाहिए और तुमसे वादा है मेरा कि हर चीज पहले से काफी बेहतर होने वाली है। इतनी ज्यादा रकम मैं तुम्हें एकदम नहीं दे सकती, मेरे पास इतने पैसे नहीं। अली को बताए बगैर इतने पैसे देना मुमकिन नहीं। तो फिर और कोई रास्ता निकालते हूँ। मैं ऐसा कर लूंगी कि आपकी बेटी को किस्तों पर बचा लूंगी, मंजूर है? तुम कितनी चालाक हो ये मैं पहले ही दिन समझ गई थी। शैतान भी पनाह मांगता होगा तुमसे। तारीफें करके थकन हो जाएगी आपको। तो फिर क्या डील पक्की समझूं मैं, या फिर आप अपनी बेटी के मौत के फरमान पर दस्तखत के लिए तैयार हैं? कल सुबह पैसे अकाउंट में होंगे, लेकिन बाकी सब मैं इतनी जल्दी नहीं दे सकती। मतलब मैं क्या कहूंगी, अली क्या कहेगा, सब क्या कहेंगे, पागल हो गई हो तुम? देखिए मैं तो पागल नहीं हूँ बिल्कुल। अगर आप अपनी अकल का इस्तेमाल करें ना, तो फिर हर चीज वैसे करेंगी जैसा कहूंगी मैं। इस वक्त मुश्किल में आप हैं आयतुल साहिबा, वो सब करना होगा जो मैं चाहूंगी। आयतुल साहिबा, अलमास क्या हुआ है? आयतुल साहिबा यहाँ मेरे बाबा के बारे में पूछने आई थी, बहुत हमदर्दी है इन्हें हम सबसे। वाकई में बहुत खुशी हुई आपके आने की, फिर से आइएगा आयतुल साहिबा, इन्हें बाहर छोड़ दोगी क्या नूर? क्या हुआ आयतुल साहिबा को? जब आपकी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी तो आप क्या कहेंगी? पैसों की बात जरूर करेंगे हम, लेकिन मैं पैसों से ज्यादा कुछ और चाहती हूँ। और अगर आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं, फिर आप तो मुझे हर चीज दे देंगी जो भी मैं चाहूंगी। अगर मेरी डिमांड पूरी कर लेती हैं, तो आपकी बेहतरी है। अली लोग घबरा जाएंगे अगर इसके पीछे वही लोग निकले जिनका तुम कह रहे हो। हमारे साथ कोई भी खुद को महफूज नहीं समझेगा। सख्त इकदामात करने होंगे अब, और मैं अब अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं कि अब से मेरे साथ उनमें से जो कोई भी रहेगा, मैं हरगिज भी उनका बाल भी कन नहीं होने दूंगा। अच्छा ठीक है, पहले तुम खुद को संभालो। पुलिस ने 3 दिन का वक्त दिया है, रिपोर्ट आने दो, फिर देखते हैं इस मामले में क्या करना है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन सब्र कर लूंगा। हाँ, मगर उसके बाद मैं खुद पर किस तरह काबू रखूंगा ये मैं भी नहीं जानता। कोई वजह भी नहीं होगी काबू रखने की, क्यों रखूंगा मैं खुद पर? इस बार मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं। अरे यार, तुमने कहा इंतजार करूंगा, आप कहां जा रहे हो अली? जहां तुम समझ रहे हो वहां नहीं जाऊंगा मैं, बस अपना जहन फ्रेश करने जा रहा हूं, परेशान मत हो। अलीना, जहन्नुम में जाए तुम्हारा शौहर। तुम्हारा गला दबा दूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें अली। सिनान, कहां है धोखेबाज? कौन? खुद को मेरी बहन का शौहर कहने वाला धोखेबाज कहां है? क्या हुआ है, इतने गुस्से में क्यों हो तुम?
हमारे सामने आंखों में धूल झोंक रहा है। कहाँ है ये? सिनान, तुम्हें हुआ क्या है? बताओ कि इतने गुस्से में क्यों हो तुम? मुझे मत रखो, अली कहाँ है बस ये बताओ। तुम नूर की वजह से अली को ढूंढ रहे हो? हाँ, और अब उसे हर चीज का हिसाब देना होगा। नाजान, नायला, मेरी दवाई लेकर आओ जल्दी। नाजान, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा है, वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे। हद है, कितनी बेशर्म लड़की है वो। या अल्लाह, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। तौबा तौबा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा, हद हो गई है ये तो। अब देखता हूं मम्मी, कैसे आप अपने दामाद को मेरी गिरफ्त से बचाती हैं। सिनान, माँ को बीच में मत डालो। रुको, पहले तुम मेरी बात गौर से सुनो, उसके बाद जो भी करना है करते रहना। मेरी बात सुनो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो सिनान, अकल का गई तुम्हारी। देखो, अगर तुम अभी जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताओगे जो तुमने देखा है तो क्या होगा? मेरे साथ आओ, जल्दी आ जाओ। छोड़ भी दे मुझे, अल्लाह का वास्ता है आपको। सिनान, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। अगर तुमने अभी जाकर अपनी अम्मी को सब कुछ बता भी दिया, वो सब कुछ जो तुमने देखा है, तो क्या होगा? वो फिर भी पर्दा डाल देंगी उस पर, और क्या? तुम इतने ज्यादा गुस्से के बावजूद अपनी बहन की सेहत की परवाह की, उसे कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान ना हो। ठीक कह रही हो, पहले वो मुझे मिल जाए। सिनान, अल्लाह के वास्ते अपने गुस्से को काबू में रखो और बैठो उधर। देखो, अगर वाकई सब बर्बाद करना चाहते हो तो ऐसा करना कि कुछ भी ना बचे, लेकिन खुद को नुकसान ना पहुंचाओ। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आंटी, क्या हो गया है आपको? बीपी अचानक क्यों बढ़ गया आपका? मैंने अपनी दवाई ले ली है, मैं अब ठीक हो जाऊंगी। अली कहाँ है? वो लोग लॉन में बैठे हैं और साइट पर जो हुआ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अली भाई को शक है कि ये किसी का प्लान था। बिल्कुल सही कहा, सब कुछ ही तबाह करने का प्लान था। आंटी, क्या कह रही है? मैं साइट की बात कर रही हूँ। अलीना, अलीना सो रही है ना? सो रही है शायद, और सिनान भी शायद उन्हीं के पास था। आंटी, अब मुझे ठीक नहीं लग रही है, मैं भाई को बुलाकर लाती हूँ, हमें हॉस्पिटल चलना होगा। मैं जाकर लेट जाऊंगी, समझूंगी सब ख्वाब था, ये सब बस ख्वाब ही था, ये ख्वाब। क्या हुआ है आपकी तबीयत को आंटी, मुझे बताएं तो सही। देखो अभी सिनान, अगर तुम अली से झगड़ोगी तो अगले दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा कि तुम्हें उठाकर दुनिया के दूसरे कोने में फेंक दिया जाएगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना तुम सिनान? हाँ, आपका मतलब है कि मैं कुछ ना करूं और हाथ पे हाथ रखकर बस तमाशा देखता रहूं, जबकि वो धोखेबाज इंसान मेरी बहन को मेरी आंखों के सामने धोखा दे रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि समझदारी से और थोड़ा दिमाग से काम लो। अब बात सुनो, देखो एक्चुअली प्रॉब्लम अली नहीं है और सोल्यूशन भी अली नहीं है। अली सिर्फ अपने जज्बात का शिकार है और बस। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम वो लड़की है, समझ रहे हो ना? यार, आपा ने उस लड़की पर कितनी बार शक किया और मैंने हमेशा हिमायत की, अब क्या कहूंगा? अच्छा है, तुमने उसकी हिमायत की और इस वजह से उसका भरोसा जीता है, तो अब ये तुम्हारे काम आएगा। कहना क्या चाहती हैं आप? सिरान, देखो, तुम्हें लगता है कि वो अली की आशिक हो गई है और वो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, ये सोचते हो। यार, उस लड़की का एक ही मकसद है, एक अमीर आदमी को ढूंढना और पैसे बटोरना, फिर चाहे वो अमीर इंसान अली ही क्यों ना हो चलेगा। अगर तुम पड़ जाओगे तो तुम भी चलोगे। ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? सिनान, तुम उस लड़की के लिए अली से ज्यादा बेहतरीन हदफ हो। तुम अकेले हो, लड़की की नीयत साफ है, और अगर
तुम कुछ करना चाहते हो तो उसको निकालो ताकि बहन का दिल ना टूटे। सोचो वो लड़की अगर तुम्हारे साथ हो जाए तो अली का क्या होगा? मतलब लड़की ने धोखा दिया। अल्लाह के वास्ते मैं आपको बैठकर क्यों सुन रहा हूं? सिनान, तुम्हारा दिमाग वाकई काम नहीं कर रहा। कम से कम मेरी बात तो सुन लो ना। एक बार सोचो जरा, आज जो लड़की अली के आगे पीछे घूम रही है, कल वो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। देखो, अगर मेरी बात मानो तो किसी को तकलीफ पहुंचाए, दूध से मक्खी की तरह उस लड़की को फार्म से बाहर निकाल फेंको। हो सकता है वो लड़की तुम्हारे इश्क में पड़कर अली को छोड़ दे, तो फिर क्या होगा उस अली साहब का जो बहुत अजीम और अहम समझे जाते हैं? सोचो कि क्या हाल होगा उस अली का। अली तुम्हारी बहन को धोखा दे रहा है उस लड़की के लिए, और वो लड़की धोखा देगी तुम्हारे लिए। अली बर्दाश्त नहीं कर पाएगा ये सब, और वो उस लड़की को यहां से निकाल देगा। तो सिन्हान, इसे कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल, जो तुम करना नहीं चाहते। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।